ये रिश्ता क्या कहलाता है। सॉरी बेटा, अब तुमने कचौरी बना दी तो मुझे खानी पड़ी। अपनी बेटी की मेहनत में ऐसे वेस्ट थोड़ी ना जाने दूंगा। नहीं पता था उसके आने से मुझ पे इतना असर पड़ेगा। अभी तो कचौरियां बनी है, क्या क्या होगा। क्या कह रही हो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा बोलो ना। नहीं नहीं पापा, सॉरी कुछ नहीं। चलो अब जल्दी निकलो, नहीं तो क्लास के लिए लेट हो जाओगी। लेट ही तो नहीं हो सकती पापा, नहीं तो उसे बातें सुनाने का मौका मिल जाएगा। पर बाहर निकली और कहीं वही मिल गया तो। भाव चलिए ना, सोसाइटी में वो नया मेंबर आया ना, उसका वेलकम करते। कल बात हुई थी ना अपनी। हाँ हाँ चलिए। मेरी मम्मा नहीं आ सकती क्योंकि वो ऑफिस गई हैं, उनकी जगह मैं जाऊंगी। मेरे पापा भी नहीं जा सकते, उन्हें कुछ काम है, अर्जेंट है। काम? मुझे क्या काम है प्रिंसेस? है पापा, बहुत जरूरी काम है, आप नहीं जा सकते। कि तू आंटी आप लोग जाइए। अरे बाड़ा, वेलकम कमिटी में तुम्हारे पापा और मैं दोनों हैं, तो मैं अकेले कैसे जाऊँ? हाँ बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं। पर पापा आप कभी बिजी भी तो हो सकते हैं ना, और इसलिए आंटी अब किट्टू आंटी को लेके जाओ ना। ओके, वैसे भी मैं अच्छी तरह उनको जानती हूँ। हाँ हाँ तुम तो सबको जानती हो ना, दादी अम्मा जो हो तुम। अब आंटी आप लोग जाइए ना कहीं, आपका वो टेनेंट ऑफिस में चला जाए। हाँ ठीक है। अब बताओ मुझे क्या काम है, तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? वेलकम टू सीसेस। हम सब लोग यहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? वो ये जो हमारा नाम है, हम है किट्टू वन, ये है किट्टू टू। अरे वाह, ये तो सबकी लाडली है। और परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? अच्छा बेटा एग्रीमेंट तो हो गया ना आपका? अरे कहाँ से हो बेटा आप? मुंबई पहली बार आए आप? तुम्हें बाइक की जरूरत है ना तो मुझसे कहना, मैं 203 में रहती हूँ। और एक बात, वॉचमैन को आप टिप मत देना, हमारी सोसाइटी का रूल है। अरे वो सिंगाले साहब नहीं आए? वो भी तो वेलकम कमेटी में है ना। वो आने वाले थे पर पता नहीं नायरा ने किसी काम से उन्हें रोक लिया। अयो रामा, पानी का नल खुला छोड़ के आया, हमारा वाटर एस्टेट जाएगा। ये देखो मेरे पास क्या है, यम्मी यम्मी कचौड़ी दीदी ने बनाई है। नहीं नहीं आप लोग खा लीजिए, मैं ये सब नहीं खाता, मुझे अच्छा अच्छा मुझे जाना होगा। I'm sorry, thank you, sorry। अच्छा सुनो बेटा, शाम को ऑफिस से आते वक्त मुझसे मिलके जाना, तब तक मैं दो चार भाई से बात करके रख लूंगी। जानता हूँ जानबूझकर भेजा होगा उसने सबको ताकि मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊं, वरना जिसने 2 साल में कभी मुड़कर नहीं देखा वो मेरे लिए कचौरी क्यों बनाएगी? What an idiot! एक तो गाड़ी की चाबी ले गया, ऊपर से आज ड्यूटी पर भी नहीं आया। बहुत लेट हो गई, वहां से कैब लेनी पड़ेगी। अजीब आदमी है, फोन तक बंद करके बैठा है ये। टैक्सी। हाँ कहाँ जाना है? इंपीरियल कॉलेज। पहले आवाज मैंने दी थी। कमाल की ट्यूनिंग है आप दोनों की, एक साथ बोलते हो तो एक साथ ही चल दो।
मुझे कॉलेज टाइम से पहुंचना है, ये कैब मैं लूंगा। कॉलेज तो मुझे भी पहुंचना है और वो भी टाइम से, वरना किसी प्रोफेसर को मौका मिल जाएगा मुझे क्लास से बाहर निकाल देगा। जो भी कहना है सीधे से कहो। सीधी बात समझ में कहां आती है किसी की? बस अपनी चलानी और कुछ नहीं। हमेशा की तरह दूसरों की प्रॉब्लम नहीं समझती बस। भाई साहब और मैडम, आप दोनों के झगड़े में मेरी टैक्सी का दरवाजा खराब हो जाएगा, प्लीज मेहरबानी करके बख्श दो। भैया जल्दी चलो प्रभा देवी टेलीफोन एक्सचेंज। अरे झगड़ा लोगों में हो या देशों में, होता नुकसान ही बस। अरे ये रिश्ता क्या कहलाता है।